पिछले भाग में आपने देखा, लूकस ने बताया था कि सौरस, टाइटन और सियोल ग्रह के परजीवी डेक्स्टोर की कैद से लूकस के साथ भाग चुके थे। अब आगे राजकुमार अजीत, अरुण और अर्जुन अपनी शक्तियों को ज्यादा विकसित करने के लिए योग का सहारा लेते हैं। परजीवी लूकस और मैक्स पावर काफी समय से राजकुमारों के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तीनों राजकुमारों के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। अब तीनों राजकुमारों ने अपनी अपनी आंखें खोली। अब आने दो उस डेक्स्टर को, हम तैयार हैं उसका सामना करने के लिए। राजकुमार अजीत, मुझे लगता है कि हमें सौरस ग्रह की ओर जाना चाहिए, क्योंकि डेक्स्टर की योजना के अनुसार अब वो सीधा सौरस ग्रह की ओर जाएगा। तो ठीक है, फिर हम सौरस ग्रह की ओर ही जाएंगे। अर्जुन, यान को सौरस ग्रह की ओर मोड़ लो। जी भैया। अब तीनों राजकुमार सौरस ग्रह पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि उनके आने से पहले ही पूरा ग्रह तहस नहस हो चुका था। अरे, ये कैसे हुआ? हमसे पहले आके डेक्स्टोर कैसे पहुंच गया? अब लूकस की नजर उस सौरसवासी पर पड़ती है जो उसे डेक्स्टोर की कैद में मिला था। लूकस ने पूछा, अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या यहाँ डेक्स्टोर आया था? सौरसवासी ने बताया कि डेक्स्टोर सौरस ग्रह पर आया था और उसने पूरी ग्रह की एनर्जी को खींच लिया, जिससे सौरस ग्रह के लोगों की शक्तियां खत्म हो गई। अब सौरस ग्रह पर एक भी पेड़ नहीं बचा था। सौरस ग्रह के वासियों की शक्तियों का सोर्स ही ये चमत्कारी पेड़ थे, पर पूरा ग्रह अब सूखा और बंजर हो चुका है। अब सभी सौरसवासी पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। ये बहुत गलत हुआ। अगर डेक्स्टोर को नहीं रोका गया तो वो पूरे ब्रह्मांड को ऐसे ही निकल जाएगा। तुमने ठीक कहा, हमें जल्द ही उसे रोकना होगा। लेकिन भैया, हम उसे रोकेंगे कैसे? हमारे पहुंचने से पहले ही वो उन ग्रहों पर पहुंच जाता है और सारे ग्रह तबाह कर देता है। अरे हाँ, हम डेक्स्टोर से पहले जरूर पहुंच सकते हैं। पर कैसे? सौरसवासियों की इन यान की मदद से। ये यान कोई मामूली यान नहीं है, ये लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलने वाले यान है। जब हम कैद में थे तो इन्हीं यान की मदद से डेक्स्टोर की कैद से हम रिहा हो पाए थे। तो देर किस बात की, चलो फिर उस डेक्स्टोर का कीमा बनाते हैं। अब राजकुमार अजीत, अरुण और अर्जुन डेक्स्टोर से पहले ही सौरस के यान की मदद से सियोल ग्रह पर पहुंच जाते हैं, जहां डेक्स्टोर आने वाला था। लूकस अब तीनों राजकुमारों को उस सियोल वासी से मिलाता है जो उसे डेक्स्टोर की कैद में मिला था। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे ग्रह को कुछ नहीं होने देंगे। अब वहाँ डेक्स्टोर अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाता है। सियोल वासियों, अपने ग्रह को मुझे सौंप दो, नहीं तो फिर मरो। बहुत हुआ, तुमने बहुत तबाही मचा ली, अब चुपचाप इस ग्रह से दूर चले जाओ, वरना हमें तुम्हें मारना होगा। बहुत बोलते हो, पर मैं करके दिखाता हूँ। डेक्स्टोर ने जोरदार वार अजीत पर किया, लेकिन अजीत को एक खरोंच तक नहीं आई। नामुमकिन, ये कैसे हुआ? क्या किया है तुमने? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन अब होगा। अरुण, अर्जुन, इसकी पूरी आर्मी को खत्म कर दो। अब अरुण और अर्जुन ने डेक्स्टोर की पूरी आर्मी को तहस नहस कर दिया और डेक्स्टर देखता ही रह गया। कोई बात नहीं, मैं दूसरी आर्मी बना लूंगा और बिना आर्मी के भी मैं तुमसे अकेला ही निपट सकता हूँ। अब तीनों राजकुमारों ने डेक्स्टोर का सामना किया। तीनों ने बारी बारी डेक्स्टोर पर वार किया। डेक्स्टोर की हालत खराब हो जाती है और वो अब हार मान लेता है। उसे अब अंतरिक्ष की जेल में बंद कर दिया जाता है। सभी सियोलवासी तीनों राजकुमारों का शुक्रिया अदा करते हैं। अब तीनों पृथ्वी भी लौट आते हैं। जादू टोकरी। एक बार की बात है, एक गांव में बंसी नाम का बहुत मेहनती लड़का रहा करता था। बचपन से ही बंसी अनाथ था, इसलिए वो पूरे गांव को अपना परिवार मानता था। वो सभी की हर काम में मदद किया करता था, जिससे कि सभी गांव वाले उससे बहुत प्रेम किया करते थे। पर गांव में कुछ दुष्ट लड़के ऐसे भी थे जो बंसी से जला करते थे, क्योंकि उन लड़कों के माँ बाप हमेशा उनके सामने बंसी की बढ़ाई किया करते थे और कहते थे कि तुम भी बंसी के जैसे बनो। बस इसी कारण जब उन्हें बंसी कहीं नजर आ जाता तो वो उसे अनाथ अनाथ कहकर उसका उपहास किया करते थे। पर बंसी को उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बंसी पूरे गांव को अपना परिवार समझता है और उन लड़कों को
अपना भाई मानता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बंसी पास ही के वन में लकड़ियां लेने के लिए जाता है। बंसी चलते चलते वन के काफी भीतर चला जाता है। अचानक बंसी की नजर दूर एक बड़े से पेड़ पर जाती है, जिसके नीचे एक साधु अपनी तपस्या में लीन थे। बंसी साधु के नजदीक जाता है और कहता है कि इनके तेज से ये पेड़ कितना चमक रहा है, पर वो ये भी देखता है कि उनके शरीर पर छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं और उनका खून चूस रहे हैं, पर साधु अपनी तपस्या में लीन हैं। बंसी कहता है, अरे ये क्या, इन कीड़ों ने तो साधु महाराज को परेशान कर रखा है और ऊपर से उनका खून भी पी रहे हैं, इन्हें अभी भगाता हूँ। बंसी सभी कीड़ों को साधु के शरीर से साफ कर देता है। साधु को इस बात का पता था, पर वो अपनी आंखें नहीं खोलते। पूरी रात बंसी वहीं पहरा देता रहा, जिससे कि साधु की तपस्या में कोई बाधा ना आए और साधु अपनी तपस्या शांतिपूर्वक कर सके। सुबह होती है, साधु अपनी आंखें खोलते हैं। वो ये देखते हैं कि ये लड़का कल से यहीं पर है और उसी की वजह से साधु शांति से अपनी तपस्या पूरी कर सके। साधु लड़के को आवाज देता है और कहता है, पुत्र तुमने रात भर मेरे लिए कष्ट उठाया, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे मांग सकते हो। बंसी साधु से कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस लोगों की सेवा करना चाहता है। बंसी की इस बात से साधु और भी प्रसन्न हो गए। अब साधु ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से बंसी पर आने वाली मुसीबत को वो देख सकते थे। इसलिए साधु ने अपनी शक्तियों से वहां तीन टोकरियां प्रकट की और बंसी से कहा, तुम्हें आने वाले समय में इन टोकरियों की आवश्यकता आन पड़ेगी। बंसी ने पूछा, वो कैसे प्रभु? साधु ने बताया, ये कोई मामूली टोकरियां नहीं है, बल्कि जादुई टोकरियां हैं। जब तुम पहली टोकरी से आंधी तूफान की शक्तियां मांगोगे तो वो आंधी तूफान उत्पन्न करेगी, दूसरी टोकरी पानी की शक्ति को उत्पन्न करेगी और तीसरी सबसे शक्तिशाली आग की शक्ति को प्रकट करेगी। साधु बंसी से कहता है कि वो इन शक्तियों को केवल एक एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है। बंसी साधु से पूछता है कि ऐसी कौन सी मुसीबत आने वाली है। साधु बंसी से कहता है कि वक्त आने पर वो सब समझ जाएगा कि इन टोकरियों का उपयोग कब करना है। बंसी अपने घर आ जाता है। गांव के कुछ दुष्ट लड़के बंसी से बदला लेने के लिए योजना बनाते हैं। वो सभी गांव के पास एक गुफा, जिसमें कि एक राक्षस रहता है, उससे जगाने के लिए जाते हैं। वो राक्षस 12 वर्षों में केवल एक बार जागा करता है, वो भी केवल खाने के लिए। इसलिए गांव वाले हर 12 साल बाद अपने गांव से दूर गांव चले जाते थे। पर अब ये लड़के इस राक्षस की नींद खराब करने वाले हैं। लड़के बाल्टी में पानी लेकर राक्षस पर डालते हैं, जिससे कि राक्षस की नींद खुल जाती है और वो गुस्से में उन लड़कों के पीछे भागने लगता है। लड़के पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, ए राक्षस, तुम्हारी नींद बंसी नाम के लड़के ने खराब की है, उसी ने हमसे ऐसा करने को कहा था। राक्षस पूछता है, ये बंसी कहाँ मिलेगा? लड़के कहते हैं कि वो गांव में मिलेगा, तुम उसे ठंडा करके अच्छा सबक सिखाना। राक्षस अब गांव की ओर बंसी को खोजने के लिए निकल जाता है। सभी लड़के मन ही मन खुश हो रहे होते हैं। तभी वहां से एक ज्योति नाम की लड़की जा रही होती है। वो उन लड़कों के पास आती है, उनसे उनकी खुशी का कारण पूछती है। लड़के सब कुछ ज्योति को बता देते हैं। ज्योति उनसे कहती है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, गांव में तुम्हारे माँ बाप भी हैं, अब राक्षस उन्हें भी खा जाएगा। लड़कों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो राक्षस के पीछे भागते हुए गांव तक पहुंच जाते हैं। राक्षस जोर जोर से बंसी का नाम पुकारता है। सभी गांव वाले उस राक्षस को देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं।
राक्षस ने कुछ गांव वालों को अपने हाथ में उठा लिया और बस उन्हें खाने ही वाला था कि तभी उन लड़कों में से एक लड़का कहता है, इन्हें छोड़ दो, ये मेरे माँ बाप हैं। राक्षस ने एक ना सुनी और उन लड़कों को भी अपने एक हाथ में उठा लिया। राक्षस उन सभी को खाने ही वाला होता है कि तभी बंसी वहां पर आ जाता है और राक्षस को उन सभी गांव वालों को छोड़ने के लिए कहता है। बंसी कहता है, तुम्हें तो मेरी तलाश है ना, इन गांव वालों को छोड़ दो। राक्षस कहता है, वो बंसी को तो खाएगा ही साथ उन सभी गांव वालों को भी नहीं छोड़ेगा। बंसी की समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। तभी उसे साधु द्वारा दी गई उन जादुई टोकरियों का ख्याल आता है। वो उन जादुई टोकरियों में से आंधी तूफान वाली टोकरी से राक्षस पर आंधी और तूफान की शक्ति का हमला करता है, जिससे कि सभी गांव वाले उस राक्षस से छूट जाते हैं, पर राक्षस को कुछ नहीं होता। बंसी फिर दूसरी टोकरी में से उस राक्षस पर पानी की बौछार करता है, पर राक्षस पर उसका भी कोई असर नहीं होता। तब अंत में बंसी कहता है, हे राक्षस, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और हम सभी गांव वालों को छोड़ दो, वरना मुझे सबसे शक्तिशाली टोकरी का उपयोग करना पड़ेगा। राक्षस ने बंसी की एक ना सुनी और वो बंसी की तरफ आने लगा। अब बंसी तीसरी टोकरी से कहकर आग की शक्ति से राक्षस पर हमला कर देता है। आग की लपटों में जलकर राक्षस भस्म हो जाता है। सभी गांव वाले और वो सभी लड़के बंसी का धन्यवाद करते हैं। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए, तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी, हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।